है, तो फिर से जल्दी से आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नंबर सिस्टम जहां तक पढ़ लिया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट क्लास में सबसे मेन कंसेप्ट हमारा क्या था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था परिमेय संख्या, ठीक है, यानी रेशनल नंबर किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। आप बोलोगे सर P बटा Q का रूप होना चाहिए, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, P बटा Q का रूप होता है, या फिर P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिस भी नंबर को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा, जहां P और Q ऊपर और नीचे वाले नंबर अंश और हर पूर्णांक होना जरूरी है, और एक कंडीशन और था कि Q यानी हर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने परिमेय संख्या को डिफाइन किया था। तो इसके आगे जो हमें पढ़ना है, इसके अलावा एक चीज और पढ़ा था, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर अनगिनत होते हैं, होने के लिए किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, जिसमें से आपसे चार पांच कुछ परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो जितने बोले जाएंगे आप उतने निकाल सकते हो, अनगिनत में से कोई भी चार पांच निकाल कर आप बता दोगे। क्या मेथड है, लास्ट क्लास में कर रखा है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपना अपरिमेय संख्या। देखो बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे परिमेय संख्या को आपने डिफाइन किया ना, परिमेय संख्या कैसे डिफाइन किया, परिमेय को आपने डिफाइन किया कि P बटा Q के रूप की संख्या होगी, जहां P और Q पूर्णांक होंगे। तो अपरिमेय क्या होगा, इरेशनल क्या होगा, जो परिमेय नहीं हो, है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसा संख्या, डेफिनेशन पढ़िए, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कैसा होगा, एक अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P बाय Q के रूप में, इसको ध्यान से देखो, नहीं लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, जहां पर P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। मतलब आप बोलोगे सर P बटा Q के रूप में अगर लिख भी दोगे तो P और Q पूर्णांक नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिख रहा हूँ रूट का 3, वर्गमूल 3, लास्ट क्लास में मैंने बताया था यह परिमेय संख्या नहीं होगा, तो यह कैसा नंबर है, अपरिमेय। अगर परिमेय नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था कि यह परिमेय नहीं है, तो बोलोगे सर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि रूट तीन को अगर आप P बटा Q के रूप में लिख भी दोगे, मान लो आप कहते हो कि सर इसे भी तो मैं लिख सकता हूँ रूट तीन बटा एक, है ना, अगर आप इसको लिख भी दोगे तो मुझे बताइए अगर आपने P बटा Q के रूप में लिखा है इसे, तो P का वैल्यू कितना आ रहा है, तो P का वैल्यू आप बोलोगे सर रूट तीन आ रहा है, और रूट तीन हमारा पूर्णांक नहीं है, तो आप बोलोगे सर P और Q पूर्णांक नहीं मिल रहे, इसलिए रूट का तीन क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ, बताइए। इसी तरीके से अगर वर्गमूल 11 लिख रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो कि इसे P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, और अगर P बटा Q के रूप में लिख भी दोगे तो पूर्णांक नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन किया भी था। इसी तरीके से अगर मुझे बताइए अगर मैं लिखूं वर्गमूल 5, तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय, वर्गमूल 5 कैसा होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बताइए जल्दी से। अपरिमेय होगा, है ना, इरेशनल होगा, क्योंकि वर्गमूल 5 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो वर्गमूल खत्म नहीं होगा, है ना, वर्गमूल खत्म नहीं होगा तो पूर्णांक नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो दो तरह के नंबर आपको दिखेंगे, एक मैं नंबर दिखा रहा हूं यहां पर वर्गमूल 4, ठीक है। तो वर्गमूल 4 को अगर मैं पहले देखूं, तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 4 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल स्क्वायर रूट, और 4 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2, है ना, किसी नंबर को दो बार गुना करके 4 प्राप्त किया जा सकता है, 2 को दो बार गुना किया 4 आ गया। अब आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी नंबर दो बार लिखा गया तो इसको आप लिख सकते हो 2, ठीक है। अब 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो 2/1, है ना, तो ये 2/1 आ गया। अब हमें दिख रहा है कि ये P बटा Q के रूप में आ गया, जहां पर P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, तो वर्गमूल 4 कैसा नंबर आ जाएगा, वर्गमूल 4 को आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है, कैसा है, रेशनल नंबर है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं वर्गमूल 2 की बात करूं, अगर मैं इस वाले नंबर की बात करूं, तो इसको आप बोलोगे सर किसी भी दो नंबर को गुना करके आप 2 प्राप्त कर सकते हो क्या, बताइए, किसी भी दो नंबर को गुना करके, सेम दो नंबर को गुना करके 2 मिलेगा क्या, इसी एक ही नंबर को गुना करके 2 नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा बताइए, 1/1,
एक गुना एक करने पर दो मिलेगा क्या? सुरेंद्र आप बताइए, एक गुना एक करने पर तो एक मिलेगा ना, एक में एक जोड़ोगे तो दो मिलेगा, मैं गुना करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया सुरेंद्र, आपने क्या गलती की? तो आप बोलोगे सर दो कभी भी किसी सेम नंबर को, अच्छा एक गुना दो कह रहे हो, हाँ एक गुना दो करने पर दो मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग नंबर है ना, सेम नंबर को गुना करके में दो नहीं मिला, ठीक है? एक और दो चलो अलग एक अलग गुना नंबर, एक। एक गुना एक, फिर से तो वही चीज आ रहा है ना, एक गुना एक करने पर दो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, एक गुना एक करने पर एक मिलेगा, ठीक है? एक गुना एक करने पर एक मिलेगा, दो नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे किसी भी सेम नंबर को गुना कर दो नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है? तो आप बोलोगे सर वर्गमूल दो, वर्गमूल दो ही रह जाएगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, वर्गमूल में ही रहेगा। तो यह नंबर कैसा है? अपरिमेय है। तो ये वाला नंबर कैसा है? अपरिमेय है। क्लियर हुआ? वर्गमूल दो अपरिमेय क्यों है, वर्गमूल चार परिमेय क्यों है? अगर मैं यहां पर लिखूं वर्गमूल पांच तो यह भी अपरिमेय होगा, अगर मैं लिख दूं यहां पर वर्गमूल सेवन तो यह भी अपरिमेय होगा, है ना? वर्गमूल अगर मैं लिखूं वर्गमूल नाइन तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल नाइन को आप लिख सकते हो 3 × 3 और ये सॉल्व होकर 3 आ जाएगा, है ना? तो 3 परिमेय संख्या है। तो ये समझ में आ रहा है, अगर ऐसा नंबर आएगा तो कर लोगे, लास्ट क्लास में भी ये चीजें डिस्कस हुई थी, ठीक है? तो कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है, यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, अभी देखो दशमलव प्रसार की बात करते हैं। देखो अभी मैं कर रहा हूं परिमेय संख्या की बात, मतलब कोई भी परिमेय संख्या को पी बटा क्यू वाले नंबर को आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, दशमलव के रूप में आप बदल करके लिख सकते हो, ठीक है? कैसे बदलेंगे डेसिमल के फॉर्म में? आपको पता है कि क्यू से भाग लगाएंगे पी में, है ना? आपको क्लास में सिखाया था पहले, पी बटा क्यू लिखने का मतलब क्या है, पी को भाग दोगे क्यू से और इसको आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है? अब अगर किसी परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव के फॉर्म में बदल रहे हैं, दशमलव के रूप में अगर बदलेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्या क्या केसेस बनेंगे, इसकी बातें हम लोग अभी करेंगे, ठीक है? किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है? चलिए पहला है 10/3, क्या यह एक परिमेय संख्या है, क्या यह एक रेशनल नंबर है, हाँ या ना? 10/3 एक परिमेय संख्या है, चैट में लिख के बताइए। तो हाँ बोलोगे सर 10/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। अगर मैं इसे दशमलव के रूप में यानी डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है? चलो इसको डिस्कस करते हैं, दशमलव के फॉर्म में कैसे लिखें। आपको पता है 10/3 लिखने का मतलब 10 को भाग देंगे 3 से। अब मैं 3 से अगर 10 को भाग दूं तो कितने बार में भाग लगेगा? आप बोलोगे सर 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 10 से बड़ा हो जाएगा तो 3 × 3 = 9, ठीक है? 3 × 3 = 9 लिखा, 10 में से 9 घटाया 1 मिला, ठीक है? 10 में से 9 को घटाया 1 मिला, ठीक है? अब यहाँ के बाद क्या होगा? देखो यहाँ पर सुरेंद्र आपने क्या किया, मिश्रित भिन्न के फॉर्म में बदला, मिश्रित भिन्न के फॉर्म में दशमलव के रूप में बदलने के लिए बोला था, डेसिमल के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो नीचे में एक आया, इतना क्लियर है। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, एक क्या आया 3 से छोटा आ गया दशम शेषफल। अब बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और नीचे में एक जीरो लगा देंगे, ठीक है? नीचे में जीरो लगा दोगे। अब बोलोगे सर 10 को भाग देंगे 3 से, है ना? 10 को भाग देंगे 3 से, तो आप बोलोगे सर 3 × 3 = 9 अगेन, ठीक है? 3 × 3 = 9 अगेन, देखो 10 में से 9 घटाओगे आपको 1 मिलेगा। फिर से क्या किया, अब एक बार दशमलव लगाने के बाद अगली बार जितने बार भी शेषफल बचता है उसमें एक जीरो आप लगा सकते हो, तो एक जीरो में फिर से अपने मन से लगा दी। अब बोलोगे अगेन सर 3 × 3 = 9, ठीक है? फिर 10 में से 9 घटाया 1 आया, फिर आगे बढ़ोगे एक जीरो लगा के 3 × 3 = 9, और इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे तो ये हमेशा चलते जाएगा, सो ऑन, है ना? ये कभी खत्म नहीं होगा। आपने देखा पहले घटाया आपको यहाँ पर 1 मिला, फिर से घटाया फिर से 1 मिला, फिर से घटाया फिर से 1 मिला, है ना? तो इस तरीके से ये कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये क्लियर है? इतना क्लियर हुआ कि इस वाले नंबर को अगर मैं दशमलव के फॉर्म में बदलूं तो ये हमेशा इस तरीके से कंटिन्यू चलते जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ बार लगेगा, उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे कि बार लगेगा कैसे लगेगा। अभी ये समझिए कि ऐसे दशमलव को हम लोग क्या कहेंगे,
ऐसे दशमलव का कहते हैं अशांत दशमलव, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो रहा। इसका शेषफल मतलब नीचे में जो घटाकर मिल रहा है, ये कभी भी जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं आ रहा, तो कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो इसके कारण क्या हो रहा है, भागफल भी कभी खत्म नहीं होगा, ये भी कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगा अनंत तक। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, ऐसे वाले को बोलेंगे, ऐसे दशमलव प्रसार को, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अच्छा ये क्लियर हुआ? अशांत किसको कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नीचे में कभी भी जीरो नहीं आ रहा और ये कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा, तीन 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 हमेशा अनंत तक चलते जाएगा, ठीक है। तो तीन क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति कहने का मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर है कि अगर कभी भी अगर हम किसी भी पी बटा क्यू वाले नंबर को दशमलव के रूप में बदल रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा है, अनंत तक बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे वाले को अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है 7/8, अगेन ये जैसे अगेन क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो अगर मैं 7/8 को डिवाइड, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डेसिमल के फॉर्म में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करके देखो, इसको आप कर भी सकते हो, सिखाया गया है आपको क्लास में। तो आप बोलोगे सर 7 क्या है, 8 से एक छोटा नंबर है, 7 क्या है, 8 से छोटा है। तो अगर छोटा है तो आप भागफल में पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर जीरो लगा दोगे। अब 8 का टेबल पढ़िए, देखिए 70 कितने बार में आता है, या 70 से जस्ट छोटा नंबर कितने बार में आता है। तो आप बोलोगे सर 8 8 64, 8 8 64, 8 9 जाकर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 9 72 आ जाएगा, तो 8 8 64, ठीक है। तो 70 में से 64 घटाए कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब बोलोगे 1 0 तो अपने मन से लगा सकते हैं। अब बोलोगे सर 8 7 56, 8 7 56, ठीक है, 60 में से 56 घटाया तो यहाँ पर 4 बचा। अब 1 0 अपने मन से फिर से लगाओगे और बोलोगे सर 8 5 40, है ना। अब ये देखो नीचे खत्म हो गया, ठीक है, नीचे में शेषफल कितना आया, 0 आया। तो यानी कि यहाँ पर पता चल रहा है कि 7/8 को जब हमने दशमलव के रूप में बदला तो ये कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, 8 7 5 एंड एंड, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर शेष कितना बचा, लास्ट में यहाँ पर 0 बच गया, है ना। तो शेष कितना बचा, शेषफल 0 आया, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ये खत्म हो गया ना, कुछ स्टेप्स के बाद क्या हुआ, भागफल खत्म हो गया, ठीक है। तो नीचे में अगर शून्य आ जाएगा कुछ स्टेप के बाद, तो ये एंड हो जाएगा कुछ स्टेप्स के बाद, तो ऐसे वाले को शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहते हैं। इतना क्लियर हुआ कि टर्मिनेटिंग कौन सा होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां से आपने दो टाइप सीखा ना, यहाँ पर रिमाइंडर लास्ट में 0 आ गया, देखो लास्ट में 0 आ गया, तो आप बोलोगे सर ऐसे वाले को फाइनाइट कहते हैं, मतलब ये कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाएगा। तो देखो दो चीज होता है, किसी भी पी बाई क्यू के नंबर को, किसी भी परिमेय संख्या को जब आप डेसिमल के फॉर्म में बदलते हो तो दो चीज हो सकता है, या तो कुछ चरण के बाद मतलब कुछ स्टेप्स के बाद लास्ट में जो शेष बचता है घटा के, वो तो या तो 0 आ जाएगा, या फिर जो भी सेसफल आ रहा है कुछ स्टेप्स के बाद वो रिपीट होने लगता है, मतलब कभी भी 0 नहीं आएगा। पुनरावृत्ति कहने का मतलब क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यही दो केस बनता है, या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो दो केस है हमारे पास, जब रिमाइंडर यानी शेष या तो 0 हो जाएगा या तो रिमाइंडर रिपीट करेगा, रिपीट करने का मतलब कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, अगर 0 आ जाएगा मतलब वो खत्म हो जाएगा, 0 आने का मतलब क्या हुआ, वो एंड हो गया, ठीक है। तो अगर एंड आ गया तो ऐसे वाले को आप क्या कहोगे, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव। अगर 0 नहीं आएगा, नॉट एंडिंग, ठीक है, वो खत्म नहीं हो रहा, तो खत्म नहीं आ रहा है, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, अशांत बोलेंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। शांत कौन सा होगा, अशांत कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, तो मुझे बताइए 7/8 क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा या अशांत होगा। अशांत 7/8 कैसा होगा, शांत या अशांत। अशांत
सेवन बाई एट अभी बताया, सेवन बाई एट को जब डिवाइड करोगे ना, अभी इसको डिवाइड किया था तो इसको डिवाइड करने पर हमें मिला था 0.875, कुछ स्टेप्स के बाद ये खत्म हो गया था, है ना, ये अनंत तक नहीं जाएगा, तो अनंत तक नहीं जाएगा तो ये शांत होगा, अशांत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, चैट में लिख दीजिए, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात यह कि आपने ट्राई किया, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। इवन देखो 1/2 है, तो 1/2 को आप ट्राई करके देखो, 1/2 को आप अगर डिवाइड करोगे 2 से, 1 को आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 लगाओगे, 2 5 10 खत्म हो गया, ठीक है, लास्ट में 0 बच गया। तो कुछ स्टेप्स के बाद अगर 0 आ गया, नीचे में 0 आ गया, तो इसको कहेंगे शांत, ठीक है। तो ये दोनों ही को क्या कहेंगे, 7/8 आया, 1/2 आया, इसको आप अगर दशमलव प्रसार को, इस दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट में अगर 0 बच रहा है, पूरा खत्म हो जा रहा है, तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। देखो यही चीज पढ़ा रहा था, यही लिखी गई है यहां पर, कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार, अगर मतलब P/Q के रूप की संख्या को अगर हम दशमलव के रूप में बदल रहे हैं, तो कुछ परिमित चरणों के बाद, मतलब कुछ, इसका मतलब सिखा रहा हूं, कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद क्या होता है, उसका अंत हो जाता है, मतलब वो एंड हो जाता है, और अगर एंड हो जाएगा तो ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। अब क्लियर है एवरीथिंग, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन याद रहेगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ठीक। अब मान लेते हैं अगर 0 कभी नहीं आएगा, मतलब अभी एक उदाहरण कर रहा था ना, जैसे कि अगर मैं बोलूं 13/3, देखो 13/3 को डिवाइड करके देखो, 13/3 को डिवाइड करके मैं दिखा रहा हूँ, 3 को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर 3 × 12, ठीक है, 3 × 4 = 12, अब घटाया, 13 में से 12 घटा, 1 आया, अब देखो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाया, अब 3 × 3 = 9, 10 में से 9 घटाया, 1 आया, 1 0 और लगाओगे, फिर 3 × 3 = 9, अब देख रहे हो कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 3 × 3 = 9, अब देख रहे हो कि हमेशा ये अनंत तक बढ़ते जाए, कभी 0 नीचे में नहीं आएगा, नीचे में घटाकर कभी भी 0 नहीं आ रहा, तो ये कभी क्या होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, तो भागफल भी जो है ना, जो कोसेंट आता है, ये भी कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट होते रहता है, तो रिपीट होगा तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, ठीक है। तो अगर 10/3 वाला उदाहरण नहीं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, 10/3, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, 3.33 या अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है, अनंत तक बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। अगर शेषफल रिपीट हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेषफल अगर रिपीट हो रहा है तो भागफल भी रिपीट होगा, ठीक है, अगर शेषफल कभी खत्म नहीं होगा तो भागफल भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ देखो डेफिनेशन क्या लिखा गया है, कुछ संख्याओं के, कुछ संख्या कहने का मतलब P/Q के रूप की संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, के भागफल में अंकों के पुनरावृत्ति खंड, पुनरावृत्ति खंड कहने का मतलब क्या हुआ, रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब जैसे देखा आपने 3 रिपीट हो रहा था, तो इसको कहते हैं पुनरावृत्ति खंड, ठीक है, अभी डिटेल में देखेंगे भी, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, अगर रिपीटिंग ब्लॉक आ गया, मतलब वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो ऐसे वाले को अशांत कहते हैं, या एक दूसरा नाम भी, आप NCERT बुक देखोगे तो वहां पर दूसरा नाम भी लिखा रहता है, अनवशान, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ में आया, आवर्ती कहने का मतलब क्या हुआ, रिपीट करना, ठीक है, अनावशनी कहने का मतलब अशांत, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, दोनों ही चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अशांत कहने का मतलब एंड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, आवर्ती कहने का मतलब वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, कुछ स्टेप्स के बाद वो रिपीट हो रहा है, क्लियर हुआ ये, कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग ब्लॉक एक चीज होता है, कि रिपीटिंग ब्लॉक या पुनरावृत्ति खंड क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा 10/3 वाला उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 3 पॉइंट के बाद देखना है आपको, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद आपको दिख रहा है कि 3 यहां भी आया, फिर से 3 आया, फिर से 3 आया, तो आप कह सकते हो कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 बार बार आ रहा है, तो अगर 3 रिपीट हो रहा है तो इसको आप लिखोगे 3.3 बार, दशमलव के बाद बस, ठीक है, दशमलव के पहले वाले को नहीं लिखना,
ठीक है, तो तीन के ऊपर एक बार लगा देते हैं, बार लिखने का मतलब कि उस वो वाला नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं लिख दूं यहां पर इस तरीके से, अगर मैं लिख दूं 5.27 बार, इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, 5 पॉइंट और जो ये 2.7 है, ये 2.7 रिपीट होता रहेगा, 2.7 टू सेवन वन टू टू सेवन सेवन टू बार बार आए। सेवन ये अनंत तक जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक क्या आया? तो रिपीटिंग ब्लॉक आप बोलोगे सर रिपीटिंग ब्लॉक या पुनरावृत्ति खंड 2.7, ठीक है, दो सात 2.7, इतना क्लियर है। अगर मैं इसे लिखूं, चलो तो चैट में लिखना है आपको, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 12.349 और इसके ऊपर मैं ब्लॉक बना रहा हूं, बार बना रहा हूं, बताइए इसको आप कैसे लिखोगे, चैट में लिख के बताइए। 12/39। 12/39, यहां पर बट्टा की बात नहीं कर रहा हूं सुनील, मैं बस बोल रहा हूं कि इसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सपैंड करके लिखिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 3, 4, 9 के ऊपर बार लिखा हुआ है ना, मतलब ये वाला रिपीट करेगा, 3, 4, 9 बार बार 12 पॉइंट, हाँ तो 3, 4, 9 फिर से बोलो, 3, 4, 9, अच्छा माइक नहीं ऑन करना, फिर से बोल रहा हूँ विक्रम के नाम से बच्चे हो, सर आवाज नहीं आ रही, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, सर आवाज नहीं आ रही, एक बार लेफ्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, आवाज जाने लगेगी, माइक बंद करिए। ठीक है माइक बंद करिए, ठीक, आप बोलोगे सर 3, 4, 9, 3, 4, 9, 3, 4, 9 ये रिपीट होता रहेगा, क्लियर है। अगर मैं ऐसे लिखूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी नंबर पे ब्लॉक बार रहे, जैसे मैं लिख दूं 5.297 और 9.7 पे बस मैं बार लगा दूं, ठीक है, 2 पे बार नहीं, तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे 5.2 और रिपीट बस 9.7 होगा, ये वाला नंबर रिपीट होगा, तो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर ऊपर में 9 लगा हुआ है, वही वाला नंबर रिपीट होता रहेगा, ये क्लियर हुआ, 9.7 9.7 रिपीट होता रहेगा, तो बहुत आसान है, जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है वो वाला रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है सभी का, ठीक है। तो अभी अब सीखते हैं कि देखो आप क्या कर रहे हो, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर क्या हैं, 5.27 बार, इसी। अच्छा सुनील मेरा कोई डाउट है क्या आपका, जी मेरे में नुका जी अधेरे लगी गए, क्या बोल रहे हो फिर से बताइए, मेरी अधेरी लग गई जी, मेरे मम्मी का सिनु अधेरी लगी के, देखो अभी क्लास कर लो, अटेंडेंस की बात है क्लास के एंड में कर लेना, ठीक है, मैं कई बार आपको बोल रहा हूँ, मेरे मम्मी का जी नेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, अभी रिमूव करूँ आपको क्लास से, अभी किसी का माइक होगा सीधे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, चलिए। तो आप बोलोगे सर 5.297 97 इस तरीके से रिपीट किया, अच्छा मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि जितने भी ये जो भी नंबर आया होगा ये किसी पी बटा क्यू के रूप के नंबर को ही जब हमने डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आया होगा, है ना, मतलब परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे सर पी बटा क्यू के रूप में भी इसको व्यक्त करके लिखा जा सकता है, उल्टा करके भी लिखा जा सकता है, तो किसी भी इस तरीके का नंबर अगर लिखा रहे तो उसको आप पी बटा क्यू के रूप में बदलकर लिख सकते हो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आता है कि 0.3 बार को आप P बटा Q के रूप में बदल कर लिखिए, P बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज हमें सीखना है, इसको सीखते हैं कि 0.3 बार को किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, नहीं इसको P बटा Q के रूप में बदलना है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिख सकते हैं, मेथड सीखिएगा, आप मान लो एक्स का मान 0.3 बार है, ठीक है, मान लेंगे कि लेट एक्स का वैल्यू, मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू 0.3 बार है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स का मान जो है हमारे पास 0.33333 इस तरीके से, बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स का मान इतना है। अब देखो मुझे बताओ कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ एक संख्या, एक नंबर रिपीट हो रहा है, कितना नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है
तो आप बोलोगे सर इसमें 10 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना करोगे? 10 से गुना करोगे। अगर दो नंबर रिपीट होगा तो 100 से गुना करना, अगर तीन नंबर रिपीट होगा तो 1000 से गुना करना। ठीक है, तो पहले क्या करो, आप इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इस इक्वेशन में आप 10 से गुना कर दो। तो आप अगर 10 से गुना करोगे तो जहां पर भी डाउट होगा ना बताना मुझे, बताइए एक्स में अगर मैं 10 से गुना करूं तो कितना मिलेगा? ये 10x मिलेगा, ये समझ में आ रहा है? एक्स को अगर मैं 10 से गुना करूं तो 10x मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है? अगर डाउट है तो बताना। ए को अगर आप 3 से गुना करोगे तो ये मिल जाएगा आपका 3। ठीक है, समझ लो इसको। अगर 5 में मैं वाई से गुना करूं तो ये मिल जाएगा आपका 5y। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं x में 10 से गुना करूं तो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर दोनों ही तरफ गुना कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा 10 और यहां पर मैं लिख रहा हूं 10x। ठीक है, बराबर। अब इस वाले नंबर में 10 से गुना कीजिए, क्योंकि 10 से गुना करने, किसी भी समीकरण में 10 से गुना करने का मतलब उसके दाएं तरफ भी गुना करोगे और बाएं तरफ भी गुना करोगे, LHS में भी गुना करोगे, RHS में भी गुना करोगे। ठीक है, तो मुझे बताइए जल्दी से 0.3333 में अगर मैं 10 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? 10 से गुना करो कितना मिलेगा? एनीवन? माइक ऑन करके बता सकते हो? हाँ, शिव कह रहे हैं, वेरी गुड शिव। आप बोलोगे सर एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 3.3333। अच्छा, इसमें अगर कोई डाउट है तो सीख लो, यहाँ पर मैं साइड में सिखा भी दे रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ 5.29 में 10 से गुना करना है आपको, तो 5.29 में अगर 10 से गुना करोगे तो ये जो दशमलव है ये एक स्थान दाई तरफ चला जाएगा, एक अंक दाई तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 52.9। ठीक है, एक प्लेस दाई तरफ चला जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, जो जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वो सारे चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5.349 और इसको मैं गुना करना चाहता हूँ 100 के साथ तो क्या आंसर आएगा? 5.349 × 100। देखो 53.49 नहीं होगा, यहाँ पर देखो दो अंक है ना, दो जीरो है, तो आप बोलोगे सर 2.2 स्थान इधर किसके? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 534.9 आ जाएगा। ठीक है, दो स्थान इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? क्लियर है इतना? बताइए। तो अगर 10 से गुना करना, 1000 से गुना करना, 100 से गुना करना बहुत आसान है, तो इसको अब मैं मिटा रहा हूं। तो यानी देखा कि आपने अगर यहां पर 3.3 में 10 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको ये मिल रहा है 3.333 इस तरीके से ये अनंत तक चलते जाएगा। ये क्लियर है क्या सभी को? अगर यहां पर कोई डाउट है तो अभी बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर डाउट है तो डी लिखिए। डाउट है तो डी लिखो और समझ में आया है तो वाई लिखो। सर कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, अगर डाउट है तो आगे बढ़ते। तो इस वाले जो सेकंड इक्वेशन है ना गुना करने के बाद, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? घटाव कर रहे हैं। तो अगर यहां से आप घटाव कर दोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटाओगे, तो 10x में से x घटाना है आपको। ठीक है, आप बोलोगे सर 10x में से x घटाएंगे, ये वाला 10x है, ये x है, तो 10x में से x घटाओगे तो कितना मिलेगा बताइए? 9x। 10x माइनस एक्स आ जाएगा, वेरी गुड, 9x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सीखना है, ये वाले नंबर में से ये वाले नंबर को घटाना है। तो आप बोलोगे दशमलव के बाद जो नंबर दिखाएगा बस उसको देखिए, ये सेम दिख रहा है कि आपको? देखो यहाँ पर आप देखो 0.3333 है और यहाँ पर भी 0.3333 सारा है। ठीक है, ये दिख रहा है सेम आपको, ये दोनों सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और तीन में से बस जीरो घटेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि यहाँ पर मैंने 3 कैसे लिखा? जैसे इसको समझिए ऐसे, अगर मैं यहाँ पर बोलूं 5.2929 को घटाना है हमें 2.2929 से। ठीक है, और यहाँ पर मैं डॉट भी लगा दिया, तो आप बोलोगे सर दशमलव के बाद जो नंबर दिख रहा है ये पूरा सेम दिख रहा है, यहाँ पर 2929 पूरा है और यहाँ भी पूरा 2929 रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा जीरो आ जाएगा और यहाँ पर 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा। क्लियर है ये?
इतना क्लियर है किस तरीके से घटाव किया। ठीक है, तो दशमलव के बाद पूरा सेम दिख रहा था तो पूरा हट गया हमारा, तो ये पूरा बस तीन में से जीरो घटा, तीन आ गया। अब यहां मुझे दिख रहा है कि ये दिखेगा 9x, 9x बराबर तीन, यहां से आ गया x का वैल्यू 3/9 और यहां से मुझे दिख रहा है x का वैल्यू 1/3। तो ये समझ में आ रहा है किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू 1/3 आया। अब देखो x आपने किसको माना था, x आपने 0.3 बार को ही माना था, तो आपको x का ही वैल्यू निकालना था, मतलब आपने p/q के रूप में बदल दिया। तो आप कह सकते हो सर 0.3 बार को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ ये कैसे कन्वर्ट किया हम लोगों ने, 0.3 बार को हम लोगों ने 1/3 लिख दिया। कोई भी अगर डाउट है तो अभी जल्दी से चैट सेक्शन में डी लिखना है, अगर समझ में आ गया है तो वाई लिखो फिर आगे बढ़ेंगे, और इसमें अगर डाउट हो तो पूछ। अच्छा विजेंद्र आपका डाउट है, क्या डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए सर, फिर से समझाना एक बार। अच्छा पूरा ही समझा दो पूरा, या फिर कहीं किसी स्टेप में डाउट है सर। 0.3 बराबर 1/3, 0.3 बराबर 1, चलो ठीक है मैं पूरा ही रिपीट कर रहा हूँ। चलो आप अपना माइक ऑन कर लो, विजेंद्र के नाम से जो बच्चे हो। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर x का वैल्यू 0.3 बार है और इसको मैं लिख सकता हूँ x का वैल्यू 0.3333 अनंत तक, इतना क्लियर है? यस सर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, इसको अगर मैं 10 से गुना करना चाहूँ, इसको अगर मैं 10 से गुना कर दूं, अच्छा 10 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 10x आया और यहाँ पर कितना आएगा बताइए, माइक ऑन करके बताओ जल्दी से, 10x का वैल्यू कितना आएगा सर? -14 33 33। देखो एक पॉइंट जैसे यहाँ पर बोल रहे हो 0.33 है, ठीक है, इसमें आपने 10 से गुना किया तो एक पॉइंट दाएं तरफ खिसक जाएगा ना, एक पॉइंट दाएं तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.333। ये समझ में आएगा? यस सर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, 2 में से 1 को घटाइए, तो आप अगर बोलोगे सर 10x में से x को घटाएंगे तो 10x में से अगर x को घटाओगे तो आपको 9x मिलेगा। ठीक है, यस सर। अगर इस वाले पूरे नंबर में से इस वाले पूरे नंबर को घटाइएगा तो आपको दशमलव के बाद पूरा नंबर सेम दिख रहा है, ये सेम दिखेगा, तो ये पूरा कट जाएगा, जीरो होगा, और 3 में से 0 घटेगा तो कितना मिलेगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3 मिलेगा, तो यानी मिल रहा है कि 9x का वैल्यू 3 के बराबर है, तो x का वैल्यू 3/9 होगा। ठीक है सर, और x का वैल्यू 3/9 है तो 3 से कट जाएगा ना, 3 एकम 3 3 3 9, तो x का वैल्यू आ गया 1/3। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यानी कि मिल रहा है x का वैल्यू 1/3, और x क्या है हमारा, x का है हमारा 0.3 बार, तो कह सकते हैं ना 0.3 बार जो है 1/3 के बराबर है। ओके सर, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है 1.27 बार, ठीक है, क्वेश्चन क्या है 1.2727 रिपीट हो रहा है, या इसको लिख सकते हो 1. पूरे पे बार है ये 1.27 बार, इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त करके बताइए किस तरीके से करोगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। आप क्या करोगे, जो भी आपको बदलने के लिए बोला जा रहा है, आप मान लो लेट मान लेते हैं कि x का जो वैल्यू है ये हमारे पास 1.27 बार है। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो क्या कि x का जो वैल्यू है हमारा 1.27 27 27, यही वाला नंबर रिपीट हो रहा है, इतना क्लियर है? इस वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ कि यहां पर मैं कितने नंबर से गुना करूं, कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर दो नंबर रिपीट हो रहा है, यहां पर देखो ना रिपीटिंग ब्लॉक दो नंबर है, 27 दो नंबर रिपीट हो रहा है, तो दो नंबर रिपीट हो रहा है तो यहां पर आप 100 से गुना कर दो। ठीक है, 100 से गुना करोगे x में, आप दोनों ही तरफ गुना करते हो, देखो इक्वेशन में गुना करने का मतलब उसके दाएं तरफ भी गुना करोगे बाएं तरफ भी गुना करोगे, LHS में भी RHS में भी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर x में 100 से गुना किया तो ये आया हमारे पास 100x। ठीक है, मुझे बताइए इस वाले नंबर में 1.2727 में अगर 100 से गुना करें तो कितना मिलेगा?
आप बोलोगे सर दशमलव दो स्थान दाईं तरफ चला जाएगा, जैसे 1.272727 मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ, इसमें अगर आप 100 से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 से गुना करते ही ये दो जीरो है यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो है दो स्थान गुड इधर इवनिंग खिसक सर। जाएगा, दो स्थान दाएं तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, 1.127 है ना, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया ना, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा हमारे पास 127.272727। ये क्लियर है, ये इसको इक्वेशन टू बोल दिया हमने, बताइए इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, समीकरण टू में से समीकरण एक को घटाएंगे, इक्वेशन टू में से इक्वेशन एक को घटाव करेंगे, टू माइनस वन, ठीक है, समीकरण टू माइनस वन। तो समीकरण टू में से समीकरण एक को घटाओगे तो मुझे बताइए 100 में से x को घटाएंगे कितना मिलेगा, 100x में से x को घटाना है, 999x। 999 कैसे आएगा, 100 में से अगर एक को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 99 आएगा ना, 99 आएगा। ठीक है, तो 100x में से अगर x को घटाया, क्या कर रहा है, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ठीक है, 100 में से x को घटाया तो ये मिल रहा है हमारे पास 99x। ठीक है, अब मुझे बताइए ये वाले नंबर में से इस वाले नंबर को अगर मैं घटाऊं तो ये आपको दिख रहा है क्या, कि दशमलव के बाद वाला जो नंबर है इसको ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद ये सेम नंबर लिखा गया है, ये दोनों ही में सेम है, 2727 रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, घटाना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ 127 में से एक को घटाना है, तो 127 में से एक घटाओगे तो 126 मिलेगा, ये क्लियर है, 127 में से एक को मैंने घटाया तो 126 मिला। ठीक है, ये 1.2727 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, और ये 2727 यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये पूरा खत्म हो गया और 127 में से एक घटाया तो 126 मिला। ठीक है, अब 99x का मान, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जयदीप। तो आप बोलोगे सर 99x में का मान 126 है, तो x का मान कितना होगा, तो ये 99 नीचे आ जाएगा, आप बोलोगे सर 126 बटा 99 आ जाएगा, ये क्लियर है, 126 बटा 99 आ जाएगा, 126 बटा 99 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर मत बोलना, यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर 9 से 126 भी कट जाता है, 9 से 99 भी कट जाएगा, कैसे चेक किया, 126 के डिजिट को जोड़कर देखा, 1 + 2 + 6 क्या आ रहा है, 9 आ रहा ना, तो 9 से कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 से काटेंगे ऊपर और नीचे, तो 9 से 126 को काटोगे कितने बार में कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, और 9 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, x का मान 14/11 आया, और x क्या है हमारा, x हमारा 1.27 बार है, तो ये समझ में आ रहा है कि 1.27 बार को 14/11 लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। सुनील एंड जयदीप, आप दोनों का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, समझ में आया है तो वाई लिखिए, कितना क्लियर है। तो हमने क्या किया, 1.27 बार को इसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव वाला को हमने क्या किया, पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन 1.27। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना इस क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करो, जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, 0.47 बार, यही क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। ठीक है, ट्राई करो, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आंसर बताइए चैट सेक्शन में, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। P बटा Q के रूप में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा, चलो मैं कुछ कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, देखो आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले जिसको भी कन्वर्ट करना है तो पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में अगर कन्वर्ट करना है 0.47 को, तो इसको एक्स मान लो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक्स का मान कितना है हमारे पास, 0.47 बार, यानी एक्स क्या है हमारे पास, 0.47
47 47 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस वाले को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान दिया, ठीक है। आप मुझे ये डिसाइड करके बताइए कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई किस नंबर से करोगे। आप देखो यहाँ पर रिपीट कितना हो रहा है, ठीक है, दो डिजिट रिपीट हो रहा है, दो नंबर रिपीट हो रहा है ना, 4 और 7। तो दो डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर आप 100 से गुना कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर 100 से गुना किया, अब 100 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, x में 100 से गुना करोगे तो 100x मिलेगा। इसमें 100 से गुना करोगे तो आपको पता है कि दो स्थान दाईं तरफ चला जाएगा बिंदु पॉइंट, तो आप बोलोगे सर पॉइंट 47 के बाद आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 47.47 47 47 47, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में 2 में से इक्वेशन 1 को आप घटाइए, इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को मैं घटा दूं तो 100 में से 100x में से अगर x को घटाऊं तो क्या मिलेगा, 99x मिलेगा। 100 में से 1 घटाया 99 मिला। उसके बाद आप देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि 47.47 ये पूरा, देखो यहां पर लिख रहा हूं, पहला नीचे वाला नंबर है 47.474747, ठीक है, इस तरीके से 474747, ठीक है। इसको आप अगर घटाओगे तो ये पूरा तो खत्म हो जाएगा, है ना, 47 में से 0 घटेगा तो 47 मिलेगा, 47.0 या 47 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मिलेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 47, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, 47/99, ये क्लियर हुआ। अच्छा 43 कैसे आ रहा है, कुछ बच्चों का 43 कैसे बोल रहे हो, 47 दोनों ही पे बार था, 47/99 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 0.47 का दशमलव फॉर्म, पी बटा क्यू फॉर्म, क्लियर हुआ, खुद से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दू, ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, छोटा सा, चलो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा दे रहा हूँ, एक्स का वैल्यू, चलो एक्स का वैल्यू मैं नहीं देखता, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 0.6 बार, देखो बार सिर्फ 6 के ऊपर है, इसको आपको बदलना है पी बटा क्यू के रूप में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ है, पी बटा क्यू के रूप में बदलकर बताइए। ट्राई करो खुद से, एक आंसर आया है 2/3, उसको चेक करेंगे अभी, सभी के आंसर 2/3 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसको क्या करेंगे जल्दी से, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक्स का वैल्यू क्या है 0.6 बार, इसी को एक्स मान लिया हमने, तो एक्स अगर है 0.6666 इस तरीके से रिपीट होगा। आप बोलोगे सर एक अंक रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक अंक पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे, तो इसको मैंने 10 से गुना किया, 10 से गुना करोगे तो मिल जाएगा 10x और ये मिल जाएगा 6.6666, है ना, एक स्थान दाएं तरफ चला गया। अब 10x में से 100 घटाएंगे अगर, तो आप क्या बोलोगे, 10x में से 100 घटाएगा तो यहाँ पर 9x मिलेगा। अब ये वाला नंबर पॉइंट के बाद देखो सेम दिखता है हमेशा, है ना, तो ये तो कट गया हमारा। अब 6 में से 0 घटाएगा तो 6 आए, तो यहाँ से मिल रहा है एक्स का वैल्यू 6/9, 6/9 लिखने का मतलब 3 से काटा तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो आंसर आ रहा है 2/3। तो ये क्लियर है क्या कि 0.6 बार को हम 2/3 भी लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, वेरी गुड विजेंद्र के नाम से जो बच्चों, बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा, देखो किसी भी परिमेय संख्या, कोई भी पी बटा क्यू वाला जो नंबर होगा, ठीक है, इसको जब डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, दशमलव के फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे, तो वो या तो शांत होगा, मतलब या तो कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा, या तो क्या होगा, वो शांत होगा, कुछ स्टेप के बाद एंड हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। या फिर अगर शांत नहीं होगा, मतलब अगर वो खत्म नहीं हो रहा, अनवसानी कहने का मतलब क्या हुआ, अनवसानी कहने का मतलब अशांत है ना, ये अशांत है, तो अगर वो अशांत है तो क्या होगा, आवर्ती होगा, मतलब वो रिपीट करेगा, तो अगर अशांत होगा तो क्या होगा, वो रिपीट होगा। तो यही दो चीज हो सकता है, अगर अशांत तो होगा वो, तो वो आवर्ती होगा, मतलब रिपीट करेगा वो,
समझ में आया? तो कोई भी परिमेय संख्या या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, यही दो चीज हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? परिमेय संख्या समझ में आ गया, परिमेय संख्या क्या होगा, या तो शांत होगा या फिर अशांत, सॉरी अशांत में आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होना, तो जो खत्म नहीं हो रहा है तो वो रिपीटिंग होगा, ठीक है, या रिकरिंग भी कई बार लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखो, परिमेय संख्या अगर शांत होगा या ना ऐसा होगा, तो देखो अपरिमेय संख्या के बारे में कैसा बोलते हैं। देखो अपरिमेय संख्या कैसा होता है, किसी भी अगर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर लिखोगे, इरेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखोगे इरेशनल नंबर का, तो वो अनवशानी, अनवशानी कहने का मतलब वो अशांत तो होगा ही और वो अनावर्ती होगा, मतलब रिपीट नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ना ही खत्म होगा ना ही रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो क्या लिखा गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट भी नहीं होगा, अनावासनी मतलब अशांत अनावर्ती, जो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, समझ में आया। या कोई अगर ऐसा नंबर है जो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं ऐसे लिख दिया, मैं लिख रहा हूँ 5.293462154235946. बताओ ये कभी खत्म हो रहा है क्या? मैं डॉट डॉट बना दिया, ये खत्म हो रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं सर ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉट बनाया गया ना, अनंत तक जा रहा है। ये कोई भी नंबर आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या, कि एक स्टेप के बाद वो रिपीट होते जा रहा है, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये ना ही रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो ऐसे वाले नंबर को अपरिमेय कहते हैं। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, समझ में आया। ये ना ही खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो अनावर्तनीय और अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? जैसे कि यहाँ पर रूट टू लिखा गया है, तो रूट टू को आप ध्यान से देखो, रूट टू का जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, आपको याद नहीं करना है, बस एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है इसका वो मैं दिखा रहा हूँ। तो वैल्यू दिख रहा है आप सभी को, 1.41421356237, ठीक है। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहा है। मुझे बताइए क्या कभी रिपीट हो रहा है, किसी स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है क्या? यस सर। कहाँ रिपीट हो रहा है बताइए, कौन सा नंबर आपको दिख रहा है कि रिपीट हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको साफ दिखेगा 4142135। रिपीट तो तब होता है ना जब 4144414414 अगर ऐसे में लिखते चलता, तब इसको कहते हैं रिपीट होना, ठीक है। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब आप कहोगे सर अनावर्ती है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है और अनावर्ती है, अशांत है, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, रूट टू कैसा नंबर है, रूट टू इसीलिए था अपरिमेय, ठीक है। मैंने बताया भी था कि रूट टू अपरिमेय है, तो अब समझ में आया क्यों अपरिमेय, ये समझ में आया कि क्यों अपरिमेय था, ठीक है। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं, चलो एक चार्ट देखो, इसको देखे काफी चीज समझ में आएगा। देखो किसी भी पी बटा क्यू के रूप के नंबर, मतलब किसी भी वास्तविक संख्या कह सकते हो, उसको आप अगर डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो दो केस बनते हैं, या तो वो शांत होगा, मतलब या तो कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, पहला चीज ये होगा, या फिर वो अशांत होगा, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, दो ही चीज हो सकता है। अब अशांत वाले को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अशांत वाले को जो खत्म नहीं हो रहा कभी भी, एंड जो नहीं हो रहा है, इसको भी दो कैटेगरी में बांटेंगे। अगर खत्म नहीं हो रहा तो क्या वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रिपीट होने लगे कुछ स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5.292929929, तो ऐसा लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे, ये खत्म तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, अशांत आवर्ती है ये, ठीक है, ये क्या है, अशांत आवर्ती है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा नंबर लिख दूँ 5.293462152983 ऐसे कुछ लिख दी, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये सर खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत में अनावर्ती। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कितना टाइप का हो सकता है, तो या तो शांत होगा या अशांत होगा, अशांत में दो टाइप का, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है।
इसमें से कैसे वाले नंबर को अपरिमेय संख्या बोलोगे? तो ये वाला जो नंबर है इस वाले को अपरिमेय कहते हैं, ठीक है, इसको इरेशनल कहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, जो कभी खत्म नहीं हो और जो कभी रिपीट भी नहीं हो, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे? तो ऐसे वाले को हम लोग अपरिमेय कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अपरिमेय, ठीक है। और इस वाले को जो शांत होगा, जो खत्म हो जाता है कुछ स्टेप के बाद, उसको परिमेय कहते हैं, और जो खत्म ना हो लेकिन रिपीट हो उसको भी परिमेय कहते हैं। तो तीन टाइप में, दो टाइप परिमेय का होता है, एक टाइप अपरिमेय का होता है। क्लियर? इतना क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी दो नंबर के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या लिख के बताइए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 5 और 6 के बीच में, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या सर? आप बताओ, जो दिखा नहीं, अभी दिख रही होगी, ठीक है, 5 और 6 के बीच। अच्छा, माइक बंद कीजिए, अभी स्क्रीन दिख रही है ना सर? ठीक है, 5 और 6 के बीच में कितने अपरिमेय संख्या है? तो जिस तरीके से परिमेय संख्या अनंत होते हैं, तो इसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या है, अनगिनत अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि एक अपरिमेय संख्या लिख के बताइए, दो अपरिमेय संख्या लिख के बताइए, तीन चार कुछ अपरिमेय संख्या लिख के बताइए, देखो कैसे लिखते हैं, तरीका क्या होता है। यहाँ पर हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। मान लो आपसे दो अपरिमेय संख्या पूछ रहा हूं मैं, दो अपरिमेय, देखो आप क्या करना, 5 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा, तो 5 पॉइंट लगा देना, 5 से बड़ा 5 पॉइंट लगा दिया। अब अपरिमेय कहने का मतलब क्या होना चाहिए? अपरिमेय कहने का मतलब जो एंड नहीं हो, अशांत होगा और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 5.10, फिर मैं देखो 110, फिर यहां पर मैं लिख दिया 1110, फिर यहां पर 4 बार 1 लिख दिया और 0, और इस तरीके से डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो क्या हो रहा है, तो ये वाला नंबर 5 और 6 के बीच में होगा, 5 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा, ये देखो अशांत भी है ना, ये क्या है, अशांत है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 111 है, मतलब ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको रिपीटिंग नहीं बोलेंगे। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 1110 है, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती, ठीक है, तो ये अपरिमेय। समझ में आया? एक और नंबर लिख के बताइए, सभी लोग लिख सकते हो अपना अपना आंसर। 5 पॉइंट में लिख दियो 2, 1, फिर मैं लिख दू 2111, 2111, इस तरीके से लिख सकते हो और डॉट डॉट लगा दे दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो अपरिमेय संख्या आ गए 5 और 6 के बीच में, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको बदलना पड़ेगा आपको। एक बार 21 लिखा, फिर 211 लिखा, फिर 3 बार 1 लिखा, ऐसा मत लिख देना, हाँ 5.90990990 ऐसा लिखना। अगर देखो ऐसे लिख दोगे ना आप 5.2111 अगर ऐसे लिख दोगे, तो ये तो रिपीट होने लगा ना, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, रिपीट नहीं करना है आपको, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, रिपीट मत करना। समझ में आया? हाँ, बंटी के नाम से बच्चों, 10100100 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूँ आपको कि 7 और 9 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिख के बताइए, या चलो कोई एक ही अपरिमेय लिख, अभी के लिए एक लिखो, एग्जाम में तो आप 2-3 जितना भी लिखना चाहते लिख सकते हो, बस एक अपरिमेय संख्या लिख के बताइए। सभी लोग अपना अपना आंसर लिखोगे चैट में, और सेम आंसर नहीं आना चाहिए, अलग अलग आंसर होना चाहिए, क्योंकि अनंत हो गए तो अनंत में कोई भी एक लिख दो। अपरिमेय लिखना है, तो अपरिमेय कैसा नंबर होता है? अपरिमेय होगा जो कभी खत्म नहीं हो, अशांत तो होना चाहिए, पहला कंडीशन अशांत, दूसरा कंडीशन अनावर्ती, मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दूं 8 पॉइंट, देखो 7 और 9 के बीच में चाहिए, तो अच्छा 9 पॉइंट लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, 9 पॉइंट लिखोगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा 9 से, तो 7 और 9 के बीच में चाहिए, तो 8.12112111 4 बार 1 लिख देंगे 2, ऐसा लिख दोगे, ठीक है। सुरेंद्र का आंसर आ रहा है 8.13113 ऐसे करके, है ना, हाँ, तो जितने भी आंसर आ रहे हैं अलग अलग, सभी के आंसर सही हैं, ठीक है, मेरा आंसर सही है।
मेरा सर सही है क्या? सर अमित को कह दो कि इतनी वाई टाइप ना करे, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे। अमित आप क्लास में हो? अमित आप क्लास में हो क्या? हाँ, इतनी सारी वाई नहीं लिखना है। देखो इतना वाई लिखते हो ना तो फिर क्या होता है कि कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख पाती है, और मैं पिछले क्लास में भी आपको ये चीज बताया था। सर आज हमारे पेपर हुए थे। हाँ ठीक है, ये सारी बातें भी करते हैं क्लास के एंड में, पहले पढ़ाई की बात करो। ये समझ में आया? अभी बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, तो जितने भी आंसर आ रहे हैं ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, और अगर कोई डाउट है तो अभी रुक के पूछ लेना।